हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। तो अभी जो है ईद आने वाली है, तो उससे पहले जो है साफ़ सफ़ाई करना ज़रूरी है। और तो बस यहाँ पे भी साफ़ सफ़ाई में हम लोग लग गए हैं। पहले हमने किया था उधर साइड वाला पोर्शन साफ़, अब हम आ गए इधर वाले पोर्शन में। वैसे वीडियो मैंने ज़्यादा शूट नहीं की, क्योंकि ना सफ़ाई करनी थी, तो फिर मैं इसका क्या वीडियो ही दिखाऊं आप लोगों को। तो इसलिए सोचा कि देखो रमज़ान है और साथ ही साथ में जो है ईद भी आ रही है, तो उससे पहले तो सभी के घरों में ही सफ़ाई होती है, तो सफ़ाई का क्या ही दिखाना। लेकिन फिर भी मैंने जो है जितना भी शूट किया है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं पापा वाले रूम में आ गई हूँ, तो खाला बोल रही थी इस वाले रूम में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। तो पहले जो बेड था ना वो उधर साइड में था, फिर हम लोगों ने उधर साइड में किया, तो इस तरीके से जो है ना हो गया था। फिर अलमिरा में मतलब जो छोटी छोटी सी आप लोग अलमारी देख रहे हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, तो उसमें हमने नई पन्नियाँ बिछाई हैं, तो इसमें भी टाइम लग गया। और साथ में मतलब एक पूरी तरह से डीप क्लीनिंग हो जाती है, अब पुताई वुताई तो क्या ही करवाएं। मतलब सोच रहे थे कि पेंट वेंट करवा लेंगे, लेकिन घर में कुछ काम करवाना है मम्मी को, तो इस चक्कर में जो है ना इस बार भी हम लोग रुक गए हैं। तो फिर फिलहाल जो है यहाँ पे अभी सफाई ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सारी अलमारियों के ऊपर जो भी मुझे रखना था, हाँ टैडी वगैरह रखे हुए हो रहे हैं इनके, तो वो मैंने ना पन्नी में रख कर के ऊपर अलमारी के ऊपर डाल दिए, क्योंकि अभी जो है रमज़ान भी चल रहे थे और हुरन भी इतना ज़्यादा अभी खेलती नहीं, खिलौने इतने सारे हैं माशाल्लाह से उसके पास में, लेकिन ना मैंने सारी चीज़ें उठा करके रखी हुई हैं, अभी रखने की भी जगह नहीं है। ओ माय गॉड, जी क्या आया भैया, एक ही है क्या? नहीं दूसरा है, दो है। ए इतने छोटे छोटे लेके आया तो है, वो भी तो सो रही है, वो भी जगती तो देख रही है। अरे भाभी को पसंद है इसलिए ले आया, तू ढूंढ डाल के कहीं ना कहीं से है। देखो ये क्या है, चूहा, सफेद चूहा। इनकी पूंछ नहीं होनी चाहिए बस, खतरनाक लगती है पूंछ इनकी। नहीं तो दो जोड़े लेके आया है, एक ही जोड़ा है। ये क्या है? खलेले से हो जाएंगे, लेकिन हाथ में ले लेके कितना मैला सा हो गया, वो देखना। छोटे पैकेट होते तो वो भी, छोटे पैकेट छोटा है, छोटा है ईद की सफाई चल रही है यहाँ पे पूरे हॉल की। इसके कवर निकाल देने, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अब कुछ नया सा हो गया है। और यहाँ पे फूल लेकर के आई हूँ मैं। अच्छा चूहा भी गया था सांस में है, ओ चूहा शॉपिंग करने गया था भाई। यहाँ पर भी इसको चेंज कर देते हैं, ये वाले बिछा रहे हैं, काटना पड़ेगा, फोल्ड कर दो किसी और चीज़, जीने पे रख दो, शाम को दूंगी, ले जाओ। सो गाइस साफ सफाई तो चल ही रही है, साथ ही साथ में यहाँ पर अभी ये सूजी मंग है, तो उसको भून कर रख देती हूँ। साफ सफाई अभी किचन की नहीं हुई है, बाकी हॉल की और पापा वाले रूम की और आगे सब जगह की हो चुकी है, हमारे वाले रूम की और किचन की नहीं हुई है, तो करना है इसको भी, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है।
तो इसको भी सब चेंज करेंगे, देखते हैं कैसा क्या करते हैं। आज मैं बहुत टाइम के बाद खाला से छुट्टी करवा रही हूँ, इतनी टाइट वाली पहले करवाती थी, तो ये वाली छुट्टी ना 2 दिन तक चलती है। कौन सी छुट्टी बोलते खाले से? उल्टे वाली की छुट्टियाँ हैं, छोटी है ये। पहले स्कूल में लड़कियां यही कर दी थी, वो हथियार है ऐसे घुमा घुमा के मारो, रिबन और लगाती थी कलरफुल। पहले स्कूलों में, कॉलेज में, स्कूल में तो लगाते हैं वाइट कलर का, हमारे स्कूल में ब्लैक चलते थे। अच्छा, 2 छुट्टी मैंने कभी नहीं करी शायद, पहले इतनी मोटी होती थी तेरी छुट्टी, तो भयंकर लगती थी घुमा घुमा के, लंबी होती थी ना, और इतने मोटे बाल थे तो जैसी से मारती थी घुमा घुमा के। लेजर कट कराई थी, लेजर। अब हथियार घुमा अपना, हथियार घुमाओ, लगेगी कोई खुद की लगेगी। अब क्या है, मैं वैसे ही छोटी कर लेती हूँ सादा, और अब रहन के पास से तो 2 दिन तक छोटी होती है, वैसे ही बस जूड़ा बना रहता है। तो इसमें देखते हैं, ओ इसमें है चिकन पुलाव जो कि अभी शाम के टाइम में बनाया था, और यहाँ पे सुबह बनाई थी भाभी ने फली की सब्जी। मम्मी यहाँ पे ये पोहा छान रही हैं, बीन रही हैं, क्या कर रही हैं, ये रखे हैं बहुत दिन के लाके गए, खाला यहाँ पे करे किचन की सफाई। चलो मैं भी करवा लेती हूँ साथ ही में वो तो करना पड़ेगा ना, तो ऊपर बैठ के नीचे से हाथ पहुँचता ही नहीं, इतने ज्यादा चौड़ा चौड़ा सा है तो हाथ अपने रह जाते हैं छोटे। ये अंदर के डिब्बे भी साफ करेंगे, बहुत गंदे हो गए हैं इसके अंदर के डिब्बे भी, हाथ लग लग के सारे। अभी 1 महीने कितने दिन हो गए होंगे उनको सफाई करे, 1.5 महीना हो गया अब कर रहे हैं। बड़ी किचन है इसलिए टाइम ज्यादा लग जाता है। चलो इसमें उड़के ओटता है, एक में दलिए वो है भुना रवा, इधर लोहे के जूने से करूं क्या, जो पीला पीला रोज ही तो कल हो जाएंगे 30। सो गाइस यहाँ हो रहा है, उठ चुकी है और इसको ये दे दिया, लेकिन नहीं पीना है। हाँ रख दो, ठीक है ला, तुम देखो अपने राइम्स, ठीक है हम तो जा रहे हैं। और मुझे अपने रूम की क्लीनिंग करनी है, यहाँ की क्लीनिंग हो चुकी है लेकिन नीचे का रह गया है, नीचे का करना है, और गैस वैस साफ साफ करनी है, तो ये किचन भी हो जाएगा आज कम्प्लीट। और दिखाते हैं आप लोगों को, और इस वाले रूम में हमने कुछ चेंजेस किए क्योंकि कल सफाई की थी, तो ये वाला रूम जो है पापा का थोड़ा सा चेंज कर दिया, बेड पहले ऐसे में देखते थे आप लोग है ना, अब हमने ऐसे में कर दिया लंबाई में। और यहाँ पे मैंने कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे, तो ये सारे फोल्ड करके खाला ने रख दिए हैं, तभी इनको भी सेट कर देंगे। पापा का रूम कुछ इस टाइप से सेट हो चुका है, और यहाँ पर भी ये चेंज कर दिए हैं, दूसरी पन्नियाँ बिछा दी हैं इसके ऊपर, और
अब दिखाती हूँ आप लोगों को आगे। तो यहाँ हॉल की भी सफाई की हुई थी, तो यहाँ के जो कवर थे सोफे के सारे कवर निकाल दिए, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते थोड़े से बोरिंग सा लगने लगता है, थोड़ा सा नया कुछ करना था, तो इसलिए सेटिंग हमने करने की सोची। सोफ़ा अगर हम उधर साइड लगा दें तो सेटिंग अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए फिर ऐसी तरह से एडजस्ट करना पड़ा है। पहले हम ये वाली कुर्सी हटा के इधर रख रहे थे, तो ये टेबल के लिए जगह बहुत ज़्यादा कम पड़ रही थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे लगाई है, और फिर ऐसे के ऐसे ही सोफ़ा कर दिया। यहाँ पे बेड वही जो बिस्तर बिस्तर थे वो लगा दिए गद्दे, तो हॉल की भी क्लीनिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ का भी पूरा क्लीन हो चुका है, सब जाले वाले क्या। यहाँ कुछ धनिया मिर्च वगैरह लेकर के आए थे, राशन का सामान तो वो रखा हुआ, अभी निकाला नहीं क्योंकि किचन की सफाई कर रहे थे, डिब्बे बाद में भरे जाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह सब रख दिए हैं। तो आज तो खाला ने किचन भी पूरी साफ कर ही दी। तो हाँ, लोग वह कमेंट करते हैं खाला तुम खाला से अपनी ज़्यादा काम करवाती हो, तुम लोग नहीं करती हो। तो वाकई हमारी खाला मानती नहीं है वो काम करती करती हैं, उनसे चाहे जितना मना कर लो, उनको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है उनको, कुछ भी गंदा नहीं दिखना चाहिए, तो वो लग जाती है खुद ही करने के लिए। तो यहाँ पे आज उन्होंने किचन भी बिल्कुल चमका दिए बेहतरीन से। तो पहले तो जो है ये टंकियाँ वंकियाँ सब साफ़ दिखती थी, तो फिर मैंने ही मम्मी से बोला कि यहाँ पे ऐसे पर्दे डलवा सकते हैं अपन, तो ये थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, क्यों खाला है ना, पहले तो सारा सामान सामने दिखता था, कितना गंदा लगता था। जब मैं आई थी ना, तो मैंने मम्मी से बोला मम्मी यहाँ पे हम पर्दे लगवाते हैं, और यहाँ पे भी ऊपर मैंने ऐसे ही टाड़ वाला पर्दा लगवाया। बहुत सी चीज़ें की हैं, स्टैंड वगैरह ये सब मंगाए थे, मम्मी से ही मंगवाए थे। तो अभी ऐसी लगती है हमारी किचन, पता ये अगर ये फ्रिज ना ये ऐसे इतना आधा कटा रहता ना, आधे से ये लेता, तो फ्रिज का है ना यहाँ घुस जाता है अंदर, तो फ्रिज भी गंदा हो गया है। अंदर भी थोड़ा बहुत साफ हो ही जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें फैल गई हैं ना, अब ज़्यादा चीज़ें रख जाती हैं, अभी रमज़ान चल रहा है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भरी रहती है फ्रिज के अंदर, तो गंदा हो जाता है। और ये देखो कितना गंदा हो रहा है हमारा फ्रिज, खाला यहाँ की कर रही है, मैं करती हूँ गैस क्लीन, और थोड़े से बर्तन, और यहाँ का एरिया पूरा बन गई। बताना उरु कैसा है, अच्छी लगी मम्मा बता। अरे वाह, चूड़िया उरु की चूड़िया, वाह अच्छी लगी। सो गाइस, मार्केट से लौट आए और सबको कपड़े वपड़े भी दिखा दिए अपने जो भी हम शॉपिंग करके लाए, और आज बाज़ार में जो है ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि शाम के टाइम में ही गए थे, फिर अंधेरा हो गया, फिर ये सारी चीज़ें करने में रहा तो शूट वूट का सब भूल जाते हैं, क्योंकि वही चीज़ है ना कि कपड़े भी देखना है, फिर शूट भी करना है, तो ये चीज़ हो जाती है।
और हाँ आज ना सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट गए वहाँ से इतना ज़्यादा रश था आज मार्केट में, क्योंकि भाई ईद है तो ईद की शॉपिंग करने के लिए सब लोग निकले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था आज मार्केट में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लगा शुक्र है कि हमें कपड़े मिल गए आज तो मॉल में भी, मतलब वी मार्ट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, विशाल मेगा मार्ट में भी आज बहुत भीड़ थी, मार्केट में भी आज बहुत भीड़ थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था ना कि सर दर्द कर आया है अब तो। बस हम लोग आ गए थे 10 बजे घर पे, फिर सबको कपड़े वपड़े दिखाए, अपनी शॉपिंग दिखाई, फिर उसके बाद अभी खाना तो नहीं खाना, भूख नहीं लग रही है। हम लोग वहाँ से फालूदा खा करके आए थे तो भूख अब बिल्कुल नहीं है, तो खाना पीना नहीं खा रहे हैं। हुरैन चले गई अपने मोवानी के साइड में। और हाँ गाइस, आज जो है किचन की क्लीनिंग भी की थी, मतलब खाला की थोड़ी सी हेल्प करवाई थी, वैसे तो खाला सुबह से ही लगी हुई थी बेचारी हमारी। हमारे घर में मतलब कोई भी आए तो उनसे कुछ भी काम कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत वो लग जाती है। और खाला तो हमारे घर में मतलब पहले से ही थी, आती जाती रहती हैं, तो मतलब हमारी वो कह सकते हैं ना कि दूसरी माँ है, सच में इतना ज़्यादा ख्याल रखती है वो हम लोग का और सबका। कौन आया है? हुरैन बेटा आ चुकी हैं तो उसको दे दो, मोट वो खाएगी। ये 2 चोटी बना दी मैंने इसकी फिर से, तो 2 चोटी करके ये घूम रही है। तो आज खाला ने मतलब बहुत काम किया बेचारे, मतलब वो है ना सुबह से उठ जाती हैं तो फिर कामों में लगी जाती हैं, कहीं झाड़ू लगाना है तो उनको, कहीं छत की झाड़ू लगाना है, मतलब कुछ भी उनको गंदा नहीं दिखना चाहिए, हर चीज़ उनको साफ सुथरी दिखनी चाहिए, उनका ऐसा है। वो अपने घर को भी बहुत ज़्यादा क्लीन करके रखती थी। इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था क्या यही कमेंट आया था कि भाई से अब दुनिया हो गई है, भाभी से दुनिया हो गई है। दूरियां कहाँ हुई है यार, हम तो मतलब बच्चों के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमें ये करना है वो करना सही है, कदम सा कर लिया आप लोगों ने, तो वो तो लोगों की सोच है। वही ऐसा कुछ नहीं है कि रिश्ता खत्म कर दिया है, आ तो जा रहे हैं। हाँ जब वो बुलाते हैं तो हम जाते हैं, या फिर हम ऐसे ही चले जाते हैं, कभी कभी अब हमें मिलना होता है, तो ऐसा रमजान में कुछ बिजी नहीं चल है, रहे हैं बिजी फिर। शेड्यूल है यार, सबको अपने अपने घर का लगा हुआ है कुछ ना कुछ, है ऐसा ना, कुछ नहीं है। वो भी बिजी है तो वो भी नहीं आ पाते हैं ज्यादा। हाँ लेकिन जब भी कभी हम बुलाते हैं तो वो जरूर आते हैं, वैसे भी चक्कर लगा जाते हैं, घूम जाते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है कि दूरियां आ गई हैं। ये तो आप लोगों की गलत फहमी है या आपने बड़े भाई से रिश्ता खत्म कर दिया? भैया नहीं किया कोई रिश्ता, कोई रिश्ता कोई खत्म नहीं किया। ऐसा हो था तो आपको हो पता चल रहा है, तो रहे एक दूसरे की वीडियो में, और क्या मतलब गोद गोद में थोड़ी बड़े आएंगे अब उनके, अब बड़े छोटे थे, छोटा था जब ले लेते होंगे गोद में, अब तो नहीं ले पाएंगे अच्छा आप से ही गोद बोल रहे थे कि आपने दूरियां कर में। ली हैं, नहीं ऐसे पता कोई, नहीं तो नहीं। हाँ मैंने उनका जवाब मैं भी दे ऐसे दिया लोगों था, को जवाब देना चाहूंगा कि आप ऐसी बातें करके और कुछ नहीं कर मतलब सकते, दूरियां लाना चाहते, आप लाना चाहते हैं तो अभी नहीं ला सकते, ठीक है ना? ऐसी बातें ना करें, रमजान का महीना चल रहा है, अच्छी अच्छी दुआ बातें के करो दुआ यार। कीजिए एक दूसरे के लिए, और मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें लें, और कुछ नहीं है अल्लाह का नाम लें, कुछ नहीं है सब यहीं रखा रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सही बात बिल्कुल, ठीक है ना? मतलब दो बस बोल अच्छे से बोल लो, खुशी खुशी रह लो, बस यही साथ में जाना है और कुछ नहीं जाना है साथ में। ये तुम्हारी ये घमंड, घर बार घर दौलत बार शोहरत दौलत शोहरत सब वो रखा रह कौन जाएगा, ये कौन खत्म कुछ हुआ नहीं था? रहेगा। सिकंदर उसने कहा था कि मैं जब मरूं तो मेरे कफन में से दोनों हाथ बाहर बाहर निकाल देना, फिर दिखाना कि दुनिया को फतेह करने वाला आज जब जा रहा है दुनिया से, कुछ खाली रुपया हाथ, नहीं ले आ पा रहा है, खाली हाथ जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। ऐसे भाई कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, सिर्फ मीठे अरे ऐसा दो बोल होता होने तो पैसे वाले चाहिए, कभी मरते नहीं, सही बात है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है, सबको मरना है, सबको मरना है, अपनी मौत लेकिन को बस कभी नहीं मोहब्बत, भूलना चाहिए। सबों की मोहब्बत लेकर मरे तो अच्छा हाँ है ना, कोई मरने के बाद तारीफ तो करे कि हाँ भाई वो शख्स अच्छा था, उसने बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छा था, कुछ भी कोई नहीं, तो लोगों की बातें आप टेंशन मतलब वो तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। और मैंने हाँ उसको रिप्लाई भी कर दिया था मैंने एक बार के, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो वही है ना कि लोगों को मतलब रिश्तों को अलग करना चाहते हैं, पता नहीं क्या खुद के घर में सही चल रहा है या नहीं चल रहा है,
लेकिन दूसरों के घर में देख करके आग लगाना उनको ज़रूरी होता है। तो जो आग लगाना चाहते हैं वो लगाते रहे भाई, आग यहाँ पे बुझ ही रहेगी। सही बोला ना, आग यहाँ पे बुझ ही रहेगी, चिंगारी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो बस सबसे अच्छा बोलो, अच्छे रहो, यही चीज़ चाहिए यार, और क्या चाहिए दुनिया में। आज हुरैन के लिए हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करके लेके आए, बहुत सारी। वैसे हम लोग सोच रहे थे कि नहीं उसके बर्थडे में बहुत सारे कपड़े आए तो उसको नहीं बनवाएंगे इस बार, लेकिन माशाल्लाह से मतलब उसके लिए फिर से इतने सारे कपड़े आए हैं ना। क्या काका? अच्छा ये बोलो बाय बाय। फ्लाइंग किस कर दे? फ्लाइंग किस? नहीं कर रहा। हुरैन की दो चोटियां देखो, आइस का है ये तो, नोज है, आइस बताओ। हुरैन ने अभी तक सिर्फ तीन चीजें सीखी हैं, सिर्फ आई, नोज और क्या सीखी है? तोता, सिर्फ तोता। और एक दिन अपन लोग काउंटिंग कर रहे थे ना, इसकी कुर्सी पे लिखा हुआ था 1 2 3 4, मतलब 10 तक काउंटिंग लिखी हुई थी, तो हम लोग वो कर रहे थे, तो ये तब से वही सीख गई है कि 2 3 2 3 2 3 बोलना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो का मैं एंड यहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस मोबाइल की बैटरी जा रही है, बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ये मैंने देखा ही नहीं तो सुबह से ही फोन। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का एंड मैं यही करूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।